जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है जी पप्पू लश्कारा। पप्पू लश्कारा जो है ना जी, वो बड़ा ऑनलाइन टाइप का आदमी है। अच्छा, आप भी ऑनलाइन टाइप हैं? अगर आप ऑनलाइन टाइप हैं तो फिर फौरन सब्सक्राइब करें ना जी बेस्ट पाकिस्तानी ड्रामास को। ऐसे बटन को दबाएं लाल रंग के, तो सब्सक्राइब हो जाएगा। फोन कर देती मुझे। फोन छीन लिया था तुमने मेरा और फिर तोड़ भी दिया था। दोबारा जुड़ा नहीं वो। I'm sorry, मेरी गलती है। मुझे तुम्हें इस हालत में बिना फोन के नहीं छोड़ना चाहिए। तुम ये फोन रख लो। तंजीला, आओ खाना खा लो। मैं बाहर से गुजर रहा था तो तुम्हारा ख्याल आ गया, इसलिए मैंने खाना बाहर से खरीद लिया। तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। देखो तंजीला, मैं मानता हूं कि मैंने बहुत गलत बात की और इस बात का मुझे एहसास भी है। मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। ये बच्चा हम दोनों का है और मैं इस बच्चे का तुमसे ज्यादा ख्याल रखूंगा। तुम्हारे लिए खाना वक्त पर खाना बहुत जरूरी है, बल्कि मैं एक दो दिनों तक मासी का इंतजाम कर लेता हूं ताकि तुम्हें कोई काम ना करने पड़े। मैं तुम्हारी किस बात का यकीन करूं? जो तुम पहले कह रहे थे या जो तुम अब कह रहे हो? मुझे क्यों लगता है कि तुम्हारी नीयत अभी भी साफ नहीं है? वो तो तुम्हें हमेशा ही लगता रहेगा तंजीला। हालांकि मुझसे ज्यादा बुरा सलूक आतिर ने तुम्हारे साथ किया है। एक शक की बुनियाद पर तुम्हें तलाक दे दी, लेकिन फिर भी मैं तुमसे गिला नहीं करूंगा। गलती मेरी थी, मैं इतना छोटा कैसे सोच सकता हूं। मेरी बात का यकीन करो और आकर खाना खा लो। मैंने खाना भी टेबल पर लगा दिया
और डॉक्टर से रेगुलर चेकअप करवाना भी बहुत जरूरी है। मैं किसी ना किसी डॉक्टर से बात करता हूँ, फिर तुम्हें खुद उसके पास लेकर जाऊंगा। आओ आओ ना। थैंक यू मामा। अगर आप आत्रे को मजबूर ना करती, उसे फोर्स ना करती, तो अब तक मुझे वो तलाक दे चुका होता। अरे थैंक यू की क्या बात है बेटा, मैं माँ हूँ तुम्हारी, और माएँ तो बच्चों के लिए जान की बाजी लगा देती हैं। ये तो कुछ भी नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारी खुशी के लिए पता नहीं क्या कर गुजरती। जानती हूँ मामा। देखो आनिया, अब तुम्हें बहुत एहतियात से रहना होगा। कोई ऐसा काम ना करना जो आतिर को नागवार गुजरे। और एक और बात करनी थी आनिया मुझे तुमसे। जी कहिए। देखो आनिया, तंजीला आतिर की जिंदगी में वो सच्चाई है जिसे तुम आंखें नहीं चुरा सकती। और ना ही तुम उसे उसकी जिंदगी से, उसके दिल से, उसकी यादों से निकाल सकती हो। आतिर ने तंजीला से मोहब्बत की है और तुम्हें इस हकीकत को तस्लीम करना होगा। और जब तक तुम इस सच्चाई को कबूल नहीं करोगी ना बेटा, अपने और आतिर के रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाओगी। यही बात तो मुझे एक जहरीले कांटे की तरह दिन रात चुभती रहती है मामा, कि आतिर ने मुझे ठुकराकर उस दो टके की लड़की को चाहा, उससे मोहब्बत की, बल्कि मामा मैंने पागलों की तरह आतिर को चाहा है। आनिया यही फर्क तो तुम समझ नहीं पा रही हो बेटा। मोहब्बत में पागलपन मोहब्बत करने वाले को और उसकी मोहब्बत दोनों को कमजोर बना देती है, जबकि मोहब्बत इंसान को ताकतवर और मजबूत बनाती है। मेरी मोहब्बत कमजोर नहीं थी मामा, मेरी मोहब्बत की तस्लील की गई है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आतिर आ गए वापस। जी वो उस्मान साहब के साथ नीचे बैठे हैं। उस्मान के साथ? ये यहाँ क्या करने आए हैं? पानी बीबी आपको कुछ और चाहिए? नहीं बस ठीक है, तुम जाओ। क्या फैसल शादी कर चुका है? हाँ ना सिर्फ शादी कर चुका है बल्कि अब तो बाप भी बनने वाला है। और जब से उसकी याददाश्त वापस आई है वो अपनी पहली शादी को भूल चुका है जो उसने सोनिया के साथ की थी, और अब वो उसको अपनाने को तैयार नहीं। ओ कुदरत बिना कितनी अजीब चीज है, कैसे कैसे रिश्तों में इंसान को जोड़ देती है। एक तरफ एक रिश्ते को अपनाने के लिए वो भाग रहा है और दूसरी तरफ एक रिश्ते से जान छुड़वाने के लिए भाग रहा है। खैर तुम ये बताओ, अब तुम्हारा क्या इरादा? मैं सोच रहा हूँ सोनिया से मिलकर उससे बात करूं कि वो फैसल से मिलकर उसे अपने रिश्ते का एहसास दिलाए, अपने होने वाले बच्चे के बारे में उसे बताए, शायद उसे समझ आ जाए। और वो तंजीला को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए और सोनिया को अपना ले।
तुम्हें क्या लगता है फैसल मान जाएगा? पता नहीं, लेकिन मैं इतना तो जानता हूं कि फैसल बाय नेचर वो बुरा इंसान नहीं है। वक्त और हालात ने उसके अंदर ये कड़वाहट भरी है, वरना तंसीला तो कितना भरोसा करती थी उस पर। उसी भरोसे की बुनियाद पर उसने फैसल से शादी की। आई होप मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं किया। रमजान ने मुझे बताया कि आप दोनों यहां बैठे हुए, तो मैंने सोचा आप दोनों को ज्वाइन कर लेती हूँ, इसलिए खुद चाय बना कर ले आई। आतिर, आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं नहीं, इसमें बुरा मनाने वाली कौन सी बात है। बल्कि मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाता हूं। मैं खा लूंगी। मैं अब इतना भी बुरा नहीं कि तुम मेरे हाथों से खाना भी ना खाओ। देखना, मैं इस बच्चे का इतना ख्याल रखूंगा कि तुम सब कुछ भूल जाओगी। ये लो, खा लो। हम रोजाना शाम में अपने बच्चे को पार्क में लेकर जाएंगे। अगर लड़का हुआ तो जब वो बड़ा होगा तो मैं रोजाना उसके साथ क्रिकेट खेलूंगा। हम उसे एक बहुत बड़ा क्रिकेटर बनाएंगे, बिल्कुल शाहिद अफरीदी की तरह। और अगर लड़की हुई तो हम उसे डॉक्टर बनाएंगे। लड़कियों के लिए सिर्फ डॉक्टर और टीचर का प्रोफेशन ही ठीक है। आतिर, आप अपना वॉलेट भूल कर जा रहे थे। ओ। आतिर, उस्मान क्या कह रहा था? क्या मतलब? किस बारे में? मेरा मतलब है वो मेरे होते हुए कभी घर नहीं आता, कोई खास बात थी? हाँ, खास बात थी, लेकिन तुम्हारा जानना जरूरी नहीं। आतिर, मैं तो इसलिए कह रही थी। तुम जिसलिए भी कह रही थी, आनिया मेरे मामलात में कम दखल अंदाजी किया करो। देहांत तो मुझे देना पड़ेगा आतिर, हमारे रिश्ते को तंजीला की नजर से बचाने के लिए। और कुछ भी हो जाए मैं पता लगा कर रहूंगी आखिर दोनों कौन सी कड़ी पका रहे हैं। तंजीला, तंजीला, मैं अभी जा रहा हूं। मैंने तुमसे कल कहा था ना कि मैं डॉक्टर से बात करता हूं।
अगर बात हो गई तो मैं तुम्हें फोन करूंगा, तुम तैयार हो जाना। हम आज ही डॉक्टर के पास जाएंगे। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब चेकअप की जरूरत होगी मैं बता दूंगी। डॉक्टर के पास तो तुम्हें जाना ही होगा, क्योंकि मैं ज्यादा दिन इस बच्चे को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो तुम कैसी बातें कर रही हो? इस हालत में रेगुलर चेकअप करवाते रहना चाहिए डॉक्टर से। वो कोई ना कोई मल्टीविटामिन्स दे देगा, जो इस हालत में लेना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, मैं तुम्हें फोन करूंगा, तुम तैयार रहना। अब प्लीज इनकार मत करना। फैसल का रवैया क्यों अचानक बदल कैसे गया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठे प्लीज। जी। आप यहाँ? मैं आपकी तबीयत पूछने आया था। कैसी हैं आप? अब मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ। आपको बुरा तो नहीं लगा मैं यूं अचानक चला आया? मेरा मतलब है गैर इत्तला किए मैं। अरे नहीं नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो मेरे लिए मसीहा हैं। अगर आप उस वक्त मुझे हॉस्पिटल टाइम पे नहीं लेके जाते तो अल्लाह ना करे कोई भी प्रॉब्लम हो सकती थी मेरे बच्चे के लिए। बल्कि मैं तो ये कहूंगी ये खुशी की खबर आपकी वजह से मुझे मिली है। क्या मतलब? आप ये बात पहले नहीं जानती थी? नहीं, रुमान के जाने के बाद मैं अपनी तरफ से बहुत लापरवाह हो गई थी। इस परेशानी में मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ। लेकिन आप यहाँ कैसे आए? यूं समझ लें आपका ये मसीहा एक बार फिर आपके गम की दुआ करने आया है। क्या मतलब है? मैं समझी नहीं। आप मेरी गम की दवा कैसे? ये आप मुझ पर छोड़ दें। सोनिया, मुझे आप ये बताएं, आप फैसल के साथ रहना चाहती हैं?